हमारे कमरे में नहीं जाओगी? अरे मैं बाबू चला चला धनवा महाराजा। अरे नंगा है उन्हें मम्मी डट ले बनी ऐसे। हाँ किसी आके आई बड़ी आलू नहीं दी थी इसीलिए गुस्सा हो। ओह तो गलती ले आई यार मम्मी, इसको अभी जाएगी नहीं ऊपर इसको नहलाने। वाह कपड़ा गंदा दे गाइस। जब भी तीज त्यौहार कुछ भी होता है तो मेरे घर से ये वाला काम ज़रूर होता है, क्योंकि मैं अपने सारे ब्लाउजेस अपने यहाँ पे ही सिलवाती हूँ। मतलब मेरे घर पे सारे ब्लाउजेस मेरे, चार मम्मी के थे, एक मेरे थे, वहाँ से सिलवा के आए थे तो भाई देने आया था। मेरे घर के दो तीन ही मतलब बहुत पास है मेरे भाई का ऑफिस। उसके बाद फिर यहाँ पे ना आप देख सकते हो मैंने ना सूट में क्लचर पिन लगा के रख रही हूँ, क्योंकि ये सूट ना आया हुआ था जस्ट, और ये मुझे इतना अच्छा लगा था ना कि सुबह सुबह बहुत सारे काम थे तो मुझे समय नहीं मिला साड़ी पहनने का, तो मैंने इसलिए ये सूट ही डाल लिया था। और ये सूट पहन के फिर हमने थोड़ा मस्ती की भाई के साथ, और ये देखिए प्रिंस बाबू ने कितने अच्छे से रिकॉर्ड किया है। ओके वाओ कितना सुंदर मेहंदी लगी है, कितना सुंदर मेहंदी। उसके बाद मैंने चेंज करके साड़ी पहन लिया, क्योंकि सबने साड़ी पहना था, मैंने सूट पहना था तो मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो साड़ी ही पहन लेते हैं। और सुबह मेरे को काम था ना तो टाइम नहीं मिला था इसलिए नहीं पहना था, कितनी बार मैंने सेम चीज़ बोल दिया है। और फिर यहाँ पे गेहूँ धुला था तो गेहूँ हम इन्हीं गेहूँ को हाथों से धो के, ना ही कोई कबूतर कुछ भी ना खाए, रखवाली करते हैं। और फिर आटा बनवा के, और हम लोग जो प्रसाद है छठ पूजा का वो इसी गेहूँ से हम लोग बनवाते हैं। और यहाँ पर सबको मेहंदी लग गई थी, आज सबसे एंड में मेरे को लगी मेहंदी। पहले मैंने सोचा था ना कि मौसी जी और मम्मी को लग जाएगा तो मैं लगवा लूँगी, क्योंकि धनवी के मूड का मेरे साथ ना कभी कुछ पता नहीं होता कब ठीक है कब ख़राब हो जाए, तो मैं उसके मूड के हिसाब से ही काम करती हूँ, बट नहीं लग पाई है अभी मेरे को, देखती हूँ क्या होता है। तो मैंने क्या किया कि सब्जी काट करनी थी, दोपहर के खाने की भी तैयारी होनी थी, तो मैं यहाँ पर बैठ के खाली बैठी हुई थी तो सोचा तब तक सब्जी कट कर लेती हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 3 या 4 मे बी, और अभी मैंने सारी क्लीनिंग की है, आप भी सब कुछ एकदम साफ सफ किया है, मतलब मेरा ना सर फटने लग जाता है सच बताऊँ तो। मतलब पूरे घर में ना इमली मंगा दी थी मैंने मॉर्निंग में खा खा के। कौन कह रहा है भैया? कौन? गीजर वाले? अब वो पूरा फैल गया था, गीजर वाले भैया भी आए हैं, एक गीजर हमारा ख़राब गया था, मेरा नहीं है नाम देखो। सो अभी मेहंदी लगवाऊँगी, धनवी को सुला दूँ। हाँ क्या बेटा, यहाँ सो जाऊँ? चल चलो आप पहले एक बार सबको हाय गाइस बोलो। बोलो जब मूड होगा तब बोलेंगे। अच्छा आई वो हम धन हो धन। सो गाइस काफ़ी लोग मेरे मेहंदी वाले रील्स पे काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि आप मेहंदी क्यों लगा रहे हो, हर चीज़ को फैशन में लेते हो, हर आप अपनी मर्जी से सारी चीज़ें करते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो एटलीस्ट छठ पूजा के ब्लॉग में मत किया करिए, आप इतनी नेगेटिविटी ना फैलाए करिए एटलीस्ट, क्योंकि हमारे लिए छठ माता के का व्रत क्या है वो जो हमारे बिहार से हैं वही सिर्फ समझ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं समझ सकता। और आई नो ये जो लोग भी होते होंगे, देखिए सबके यहाँ पे अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके बड़े जो करते हैं वही छोटे भी करते हुए जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग नया से कुछ करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के यहाँ मन्नत होती है वो ब्लाउज़ पेटीकोट नहीं सिर्फ कॉटन की साड़ी एक पहन के और व्रत करते हैं, कुछ लोग के यहाँ कुछ होती है। हमारे यहाँ शुरू से मतलब हम लोगों ने पूरा श्रृंगार किया है छठी मैया में, मेहंदी लगाई है, पूरे धूमधाम से हमने मतलब किया है छठ पूजा, इसी तरीके से जिस तरीके से आप हमें करते हुए देखते हैं उसी तरीके से हम हमेशा से करते हुए आए हैं। मेरे मायके में भी मैंने ऐसे ही देखा है, मेरे ससुराल में भी ऐसे ही करते हैं। मम्मा का थोड़ा वीडियो बना दो। इसका है ऐसे नहीं बोलते, इसका उसका वर्ड नहीं सीखते हैं, गंदी बात होती है। आप बोलते हैं सिर्फ आप, ये इनका है, इनका है, ऐसे बोलो। ओके
तो इसीलिए उसी हिसाब से हम करते हैं। आई नो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मेहंदी नहीं लगाते हैं, तो वो उनके घर का रूल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मेहंदी लगा लिया तो आप नेगेटिव कमेंट करें या कुछ भी उल्टा सीधा बोलें। प्लीज़ छठ माता सब देख रही हैं, तो अपने मन को साफ रखें और किसी के लिए गंदगी ना फैलाएं। एंड मेरी मेहंदी की डिज़ाइन आपको कैसी लग रही थी? इस बार बिल्कुल मन नहीं था बराबर लगाने का, लेकिन सीमा मानी नहीं कि नहीं दीदी आपका एनिवर्सरी भी है, आपका ये भी है तो लगवा लो, तो मैंने चलो ठीक है लगा दो। सो गाइज फाइनली मेरी मेहंदी लग चुकी है एंड मैंने सोचा था सिंपल लगवाऊं, लेकिन सीमा ने बोला कि नहीं दीदी हमेशा भरा लगवाते हो, इस बार भी भरा ही लगवाओ। बट ये जो पीछे का डिज़ाइन है ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप लोग सीमा को सीमा फ्रीलांसिंग भी करती हैं, तो वो आप घर पे अगर दिल्ली NCR में अगर आप बुकिंग करना चाहो तो कर सकते हो। सीमा मेहंदी एंड मेकअप करके इनका इंस्टा पेज है, तो इनको डायरेक्ट DM करके और इनको अपने घर भी बुला सकते हो और ये इतनी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी मेहंदी लगवा सकते हो। मुझे लग रहा है 1.5-2 साल हो गए है ना। फर्स्ट मेहंदी कब लगाई थी मेरे को? नेक्स्ट ईयर लगाई थी, तीज पे लगाई थी। फिर मेरे को मेरे घर पे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में मेरी मम्मी को ब्राइडल मेहंदी लगाई थी, बहुत बार लगाई है। सो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड मेहंदी लग गई, मैं थक गई और मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, लेटूंगी, उसके बाद दूसरा काम करेंगी। चल नहीं था फिर से एक्टिंग ये वाला देखो मम्मी रवीना अपने हाथ में मेरा नाम लिखी है, निक्की और रवीना, निक्की वेट्स रवीना। अपना मेहंदी देखो अच्छा लग रहा है मेरा रवीना का मेहंदी। मैं मौसी जी, दोनों मौसी जी, पति देव, हम सब लोग आए हैं अर्घ का सामान लेने। और थोड़ा सा मतलब आ गया था नारियल और थोड़ी बहुत चीज़ें, मतलब आ गई थी और थोड़ी बहुत चीज़ें ही लेनी हैं, तो हम सब लोग आए हैं पूरा ग्रुप में। और इस तरीके से मतलब छठ क्या ही बताऊँ आपको कि कैसा सारी चीज़ें हो रही है, इतनी खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग 8-9 जने इस बार एक साथ व्रत करने वाले हैं। आपको मजा आ रहा है? हाँ बहुत। जय हो छठी मैया। और ये है हमारे यहाँ छठ पूजा में जो भी सामान है हम लेने आए हैं। आधा सामान आ गया था, थोड़ा आधा बचा हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत आ गया था थोड़ा बहुत बचा हुआ था। सो हम लोग आ गए लेने के लिए। अभी भी हमने फ्रूट सारे छोड़ दिए क्योंकि मतलब सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस बार हम लोग एक घर से 8 लोग छठ पूजा कर रहे हैं, तो सामान थोड़ा ज़्यादा हो ही गया है। तो मतलब बहुत 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 खुशी हो रही है। एंड मतलब इतनी खुशी की बात है ना कि एक साथ हम लोग इतने सारे लोग छठ पूजा का व्रत रखेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मेरा दूसरा छठ पूजा है। काफ़ी लोग मुझे कल कमेंट कर रहे थे कि दीदी आज आपने नहाए खाए क्यों नहीं किया, साड़ी क्यों नहीं पहनी। रात मेरा सब सुखली ढूंढ रहे हैं क्योंकि अभी मैं ऐसा मेरी मम्मी मेरी सासू माँ का ये कहना है, वैसे तो पीतल से सब देते हैं पर उनका अभी ये कहना है कि अभी मैं पीतल से नहीं दूंगी, जब वो बोलेंगी उनके अब मन होगा तब वो बताएंगे कि मैं दूंगी पीतल का, तो हम बांस का अपना दूंगे। गाइज अभी जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स में भी बताया था कि अभी मैं सिर्फ 2 छठ पूजा कर रही हूँ। होता है ना मतलब मेरे बड़ों का, मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी का, सबका कहना है कि जब पूरा परिवार पूरा हो जाएगा तो फिर 3 छठ पूजा शुरू कर देना। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सबके लिए गमछे लिए क्योंकि ना हमारे यहाँ गमछा बहुत वो माना जाता है, तो मैंने सोचा कि सबके लेके गमछे लेते हैं, सब लोग गले में ऐसे लगा के और तब छठ घाट जाएंगे। तो 4-5 गमछे लिए थे, येल्लो, रेड, अलग अलग कलर में। वही मैं मम्मी को यहाँ पर दिखा रही थी तो मम्मी कहती थी हाँ अच्छा लग रहा है ले लो। एंड आपको पता है इस बार ना मुझे ना सुपली लेना था जो हम लोग देते हैं ना पीतल की, लेकिन पता नहीं मतलब बहुत टाइम से हो रहा था कि आज लेंगे। सडन मम्मी ने बोला कि नहीं निकी इस साल नहीं लेंगे अगले साल लेंगे पीतली।
मतलब वो पीतल का अगले साल लेंगे। मैंने चलो ठीक है, मैं कभी भी ऐसे नहीं कहती कि नहीं मम्मी आप ये कह रहे हो ना, नहीं मुझे ये करना है, जो कह दो आप बड़े हो सब लोग, मैंने ठीक है आप लोग अपने हिसाब से देख लो। बस एक छठ पूजा करने के पीछे ना मतलब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी सबसे, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे ना कि बहुत अभी कम उम्र है और आप सबको तो पता है छठ पूजा हमारा कितना भारी पर्व है, तो दिक्कत हो जाएगी, बेटी दूध पीती है तो निकी अभी बहुत छोटी हो इंसान तो, लेकिन फिर भी पता नहीं अंदर से इतनी श्रद्धा थी छठ पूजा मेरे को करने की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप लोग ब्लॉग्स प्यार दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं आ गई हूँ नहाकर, और नहाकर आने के बाद मैं यहाँ पे अपनी चूड़ियाँ पहन रही हूँ, अपनी साड़ी पहन चुकी हूँ। आज हमारा नहाए खाए है और मैं आ गई हूँ नहा के, और मैंने पहनी है साड़ी इस तरीके से। मुझे आप 3 दिन कंटिन्यू पहनेंगे देखेंगे साड़ी। हमारे यहाँ नेक अच्छे जब नेक चार करना होता है तो इसी तरीके से साड़ी हम लोग पहनते हैं, और बहुत 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 खुशी हो रही है आज नहाए खाए हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की प्राउड की बात मुझे ये लगती है कि मैंने छठ अपने पति के साथ उठाया है और हम दोनों जने साथ में छठ करते हैं। जी हाँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जिनको ये शायद नहीं पता, उन्होंने लास्ट ईयर नहीं देखा होगा, ये छठ मेरे हस्बैंड भी करते हैं और आज हम दोनों जने का नहाए खाए हैं। और मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ, मतलब व्रत शुरू किया है मैंने, और माता रानी छठी मैया हमें इतनी अपनी कृपा हम पे बनाए रखे कि हम लोग जब तक जिए तब तक छठ करते रहे। सो बस चलिए, आज हमारा कद्दू भात है तो सब्जी बना लेती हूँ, जल लेते हैं और सारे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और दिन की तैयार शुरुआत करते हैं। आपको पता है छठ मैया की व्रत इतना शक्ति होता है ना कि चेहरे पे कुछ नहीं लगाओ बस फिर भी चेहरा इतना चमक रहा होता है। और हम दोनों जने सूर्य भगवान को आर्घ्य देंगे, छठ पे चलते हैं।
भगवान तो हमको मन्नत पूरा करो के बाबू खुश हो छठी मैया सिर्फ खुश मन नानी जी छठ भूखा नानी सन आशीर्वाद दे दी दे दो के बाबू दूध ज्यादा कमुड़ी पर कुड़ी रास्ते गया नानी दे दो आशीर्वाद 1527 के कौन करिया उनका आशीर्वाद काली ना दे तर आशीर्वाद बिल्कुल हां और का दे तर जमील बाबू पैसा पैसा दे बाबू कौन आशीर्वाद दे वो तो 5 मिनट में आ रही है भाई कौन आशीर्वाद देता है नहीं मन आशीर्वाद दे दे मन भूख के ना बोल के दे का बोल लेगा आशीर्वाद के गो बन सो जा एक साल फिर आये जोड़ा लगा की ना मौसी जी छठी में एक वर्ष के हम पढ़े मौसा जी मार मेरा मतलब जल हमने चढ़ा लिया और सब बड़ों का आशीर्वाद ले लिया बहुत अच्छा लग रहा है और बस क्या ही बताओ बस अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पास आ जाओ तो आप क्यों गए पापा पास अब क्या होता है अब ऐसे करने से क्या होगा मम्मा तो कुछ हो गई है अरे कुछ दे दो मम्मा को दे दो दे दो फिर मम्मा से